gentlemen, finally the moment all of us have been waiting for. Please warmly welcome our Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Chief Minister Punjab, Governor Punjab, Federal Ministers, Provincial Ministers, MPAs, और MNAs, फैसलाबाद डिवीजन के, मैं आपको सबको खुशामदीद कहता हूँ एक ऐसे ओकेजन पे जो कि इंशाल्लाह जो आगे का हमारा रास्ता है उसके ऊपर उस रास्ते की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो शुरू हमारे दौर में, ये पहली जो शुरू हुई, इसका मकसद है, और मैं मकसद बताऊंगा कि वो हमारी जो विजन है पाकिस्तान की, ये उस विजन के अंदर एक बहुत बड़ा एक कदम है। और विजन क्या, पहले मैं अपनी विजन क्लेरिफाई करता हूं। मेरी विजन ये है कि पाकिस्तान एक वो रियासत बने जो प्रायोरिटी, जिस तरह मदीना की रियासत थी, उसकी प्रायोरिटी ये थी कि उसने अपने कमजोर तबके को ऊपर लेके आना था। तो मैं सिर्फ आपको रोड मैप बता रहा हूं कि जब आप अपना रोड मैप ये तय करते हैं कि एक रियासत जिसके अंदर इंसानियत और हमें जानवरों से इंसान फर्क ही तब है जब एक रियासत के अंदर रहम होता है, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले कमजोर तबकों की रियासत ने जिम्मेदारी ली थी। दुनिया की तारीख की पहली वेलफेयर स्टेट बनी थी फलाई रियासत, और उसका दूसरा कंपोनेंट था इंसाफ, जो हमें जानवरों से फर्क करता है इंसानी माशरे को, वो इंसाफ होता है, रूल ऑफ लॉ, कमजोर तबके को प्रोटेक्शन देता है एक माशरा जो कि इंसानी माशरा होता है। जानवरों के माशरे में माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और फिर जानवरों के माशरों में रहम नहीं होता, कंपैशन नहीं होता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो जब हमने ये तय कर दिया कि हमने उस रास्ते पे जाना है, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एक एक रियासत जब फैसला करती है कि मैंने अपने मुल्क से गुर्बत हटानी है, लोगों को गुर्बत से निकालना है, तो वो फिर कौन से कदम है। तो उस पे जाने से पहले मैं एक चीज, आज मैं अब 16 महीने हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर बने हुए, मैं एक चीज आज कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ, हर फंक्शन जब होती है मैं सोचता हूँ मैं ये कहूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ, मैं आज वो उधर से शुरू करना चाहता हूँ, और वो ये कि हम पाकिस्तान में फंक्शंस करते हैं, सारे पाकिस्तानी बैठे होते हैं, चले यहाँ चाइनीज हैं, तो अंग्रेजी में हम क्यों करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ये समझना बड़ा, हर फंक्शन में ये होता है, अंग्रेजी में फंक्शन होती है, जो कंपेयरिंग होती है अंग्रेजी में होती है। अभी मैं असेंबली में तकरीर हुई, वो अंग्रेजी में, पाकिस्तान की असेंबली में अंग्रेजी में तकरीर करती, कभी सोचा है बर्तानिया की असेंबली में कोई फ्रेंच में तकरीर करे, या फ्रांस में कोई अंग्रेजी में तकरीर करे। तो ये एक हमें अपनी माइंडसेट चेंज करना है, ये हमारे गुलामी का माइंडसेट है। अभी तक 72 साल हो गए आजाद हुए, अंग्रेजी को हम इस्तेमाल करें हायर एजुकेशन के लिए, जरूरी है हायर एजुकेशन में हमें अंग्रेजी समझना, लेकिन एक क्लास डिस्टिंक्शन जो हम अंग्रेजी में कर देते हैं कि पढ़ी लिखी क्लास अंग्रेजी में बोलती है, बेचारे उर्दू में, और इसमें एक बहुत बड़ी वजह है, मैं जो कह रहा हूँ, तोहीन करते हैं हम वो लोगों की, मसलन यहाँ खड़े होते हैं कई यार गरीब लोग खड़े होते हैं फंक्शंस के अंदर, उनको नहीं अंग्रेजी समझ आती, तो हम कोई ये ख्याल नहीं सोचते कि हम अंग्रेजी में तो बोल रहे हैं, और कई लोग बैठे जिनको अंग्रेजी की समझ ही नहीं है। हमारी असेंबली में भी
अब नेशनल असेंबली में मुझे पता है कि कितने अंग्रेजी समझते हैं कितने नहीं, लेकिन अंग्रेजी में तकरीर हो रही है और जो अंग्रेजी नहीं समझते वो भी प्रटेंड कर रहे हैं कि उनको अंग्रेजी समझ आ रही है, क्योंकि वो जो जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो समझते पढ़ा लिखा नहीं। अच्छा जी, अब अगर हमने उस मुल्क में गुर्बत कम करनी है तो ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइज हो। कोई और रास्ता नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। हम अपनी इतनी नौजवान आबादी को रोजगार ही नहीं दे सकते अगर हमने इंडस्ट्रियलाइज ना किया, क्योंकि जमीन के ऊपर इतने लोगों को आप रोजगार नहीं दे सकते। अगर अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो इतने लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। तो हमारे लिए अब ये हमारे मुल्क के अपने अपने नौजवानों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अब ये लाजमी हो गया है कि पाकिस्तान में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में हो रही थी 60s के अंदर। पाकिस्तान बड़ी तेजी से इंडस्ट्रियलाइज कर रहा था और हमारी गवर्नमेंट्स ने 60s में फैसला किया था कि पाकिस्तान में हमने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करना है। हम तेजी से बढ़ रहे थे आगे और बदकिस्मती से 70s में हमारी वो पॉलिसीज आई जिन्होंने पाकिस्तान को गलत रास्ते पर लगा दिया। सरमायाकारों को बुरा कहना शुरू कर दिया। अगर सरमायाकार गलत हरकत करता है या प्रॉफिटेरिंग करता है तो इसमें सरमायाकारी की तो कोई गलती नहीं है। मसलन अगर पॉलिटिशियन गलत हरकतें करता है तो पॉलिटिक्स की तो इसमें कोई कसूर नहीं है। कायद आजम भी पॉलिटिशियन थे, मंडेला भी पॉलिटिशियन था। तो ये जो एक एंटी सरमायाकार एक पूरी कैंपेन चली और उसके बाद बदकिस्मती से हमारा माइंडसेट चेंज हो गया सरमायाकारी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट। हमारे एक शुरू में हमारे साथ एक पॉलिटिशियन थे, वो हर तकरीर शुरू करते थे, दो उनके विलन्स होते थे, एक जागीरदार और एक सरमायाकार। तो मुल्क तो नहीं आगे बढ़ सकता अगर आप सरमायाकारी नहीं करेंगे, कैसे आप लोगों को रोजगार देंगे? तो इसलिए मैं सिर्फ पहले तो माइंडसेट हम अपना चेंज करें। कौम फैसला में रोड मैप जो दे रहा हूं आपको, रोड मैप ये है कि हमें इंडस्ट्रियलाइज होना है, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमने जोर देना है स्पेशली, क्योंकि जब तक हम लोगों को चीजें नहीं बेचेंगे आमदनी हमारी नहीं होगी, हम कैसे इंपोर्ट्स करेंगे, हमारे पास कैसे अपना इंपोर्ट का बिल पूरा करेंगे? तो हमें इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट्स को खास तौर पे तवज्जो देना है। उसके बाद एग्रीकल्चर, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हमारे पास ज़रखेज़ ज़मीन है और हमारे हम जानते हैं कि मुल्क जिनके पास हमारे से बहुत कम पानी है उसके बावजूद, और ज़मीन भी इतनी अच्छी नहीं जितनी अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है, उसके बावजूद उनकी पैदावार हमारे से कई गुना ज़्यादा है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ये दूसरी चीज़ है एग्रीकल्चर, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तीसरी टूरिज़्म, ये टूरिज़्म एक ऐसा एरिया है जिसमें पाकिस्तान बहुत पैसा बना सकता है। यानी पाकिस्तान में अल्लाह ने जिस तरह की दी है, जो खूबसूरती दी है, जो डाइवर्सिटी दी है, रिलीजियस टूरिज्म वगैरह, हम टूरिज्म के जरिए बहुत आमदनी कमा सकते हैं और वो अभी तक हमने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो अब तीसरी टूरिज्म है, और मैं इंडस्ट्री के साथ ये भी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के ऊपर हमने खास तौर पे जोर लगाना है। और जो चौथी चीज़ है वो अपने तालीम और उसके ऊपर खास तौर पे टेक्निकल एजुकेशन। हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है, नौजवान आबादी है, लेकिन उसको जब तक हम टेक्निकल एजुकेशन से हुनर नहीं सिखाएंगे तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, उसके अंदर वैल्यू ऐड करना है। तो मैं आज ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसमें पंजाब गवर्नमेंट को मुबारक देता हूँ जो उन्होंने कोशिश की। मैं सारे अपने हमारी एनर्जी डिपार्टमेंट, हमारी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब ने, पंजाब गवर्नमेंट सब ने मिल के इस पर पूरा जोर लगाया कि जल्दी से जल्दी हम इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को खोलें, क्योंकि चाइना से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। हमें अल्लाह ने एक बड़ा ज़बरदस्त मौका दिया है। एक तो चाइना से हमारी पुरानी दोस्ती है, दूसरा चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे तेज़ी से वो मुल्क है जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ में वो तेज़ी से आगे जा रहा है, और प्रेडिक्शंस ये हैं कि वो अगले 10 साल में सबको पीछे छोड़ जाएगा। और
आपको पता है कि दुनिया चाइना के प्रोग्रेस से खौफजदा है. हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, हमारा नेबर भी है, सीपैक भी हमारे पास आ गया है. सीपैक के अंदर और चीज़ें इंक्लूड करनी शुरू कर दी हैं. पहले तो सिर्फ सड़क ही थी और दो तीन पावर स्टेशन, अब तो आगे डाइवर्सिफाई हो गया है, और चीज़ें आ गई हैं सीपैक के अंदर. हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम उसका फ़ायदा उठाएं. कई इंडस्ट्रीज चाइना से रीलोकेट होना चाहती हैं, अभी तक हमने उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट नहीं दी चाइनीज इंडस्ट्रीज को रीलोकेट होने की. वो थाईलैंड जाती हैं, वियतनाम जा रही हैं. हमें अपने मुल्क में वो एनवायरनमेंट नहीं की जाके ताकि वो रीलोकेशन पाकिस्तान में हो. ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये है वो एनवायरनमेंट जो चाइना से इंडस्ट्री रीलोकेशन के लिए चाहती है. वियतनाम के अगर आप स्टडी करें तो उन्होंने इतना फ़ायदा उठाया है, उन्होंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, उन्होंने अपना जीडीपी बढ़ाया है, वेल्थ क्रिएशन है, और वो उन्होंने की है चाइनीज इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करके. हमने अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम भी एक मौका देंगे. और जब भी मैं चाइना गया हूँ वहाँ हमेशा उनके सरमायाकारों ने, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन हमें एनवायरनमेंट दे. बल्कि उनके प्रीमियर ली उसने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे कहा, कहते आप अगर एनवायरनमेंट हमें देंगे हम आपकी तरफ चाइनीज इंडस्ट्रीज धकेलेंगे. और हमें इसकी भी ज़रूरत है कि उनके पास सिर्फ यही नहीं कि वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, इसलिए भी कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे पाकिस्तान, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे. बल्कि चाइना से हमारी ये भी था कि वो हमारे लिए टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी बनाएंगे. वो भी हमारे साथ एमओयू में वो शामिल हुआ हुआ है. तो हमें फिर डिफरेंट एरियाज में फ़ायदा होगा. चाइना ने जो अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी उन्होंने भी पहले स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स बनाए थे, बाहर से उन्होंने इन्वेस्टमेंट वहाँ ले किया है, उधर से उन जोन से वो चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, उनके लोकल लोग ट्रेन हो गए और उसकी वजह से चाइना की अपनी इंडस्ट्री उठनी शुरू हो गई. तो एक ऐसा मॉडल है जो हम फॉलो कर सकते हैं. और जो वेल्थ क्रिएशन जो चाइना में हुई उन्होंने खर्च की अपने मुल्क में गुर्बत कम करने के लिए. ये चाइना का ये याद रखें कि जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो चाइना की मैं अप्रिशिएट और एडमायर करता हूँ कि उन्होंने 30 साल में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है. दुनिया की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं. और हमारे लिए एक उन्होंने रास्ता दिखाया कि वेल्थ क्रिएट करो और उस जो आपकी जैसे मुल्क की दौलत बने, ज़्यादा पैसा है, आमदनी बढ़े, उसको फिर खर्च करो अपने लोगों को नीचे से गुर्बत से निकालने के लिए. और वो इंशाल्लाह वो मॉडल हमने स्टडी भी किया है, चाइना भी गए, उन्होंने भी प्रेजेंटेशंस भी दी हैं, और इंशाल्लाह वही हमारी है कि हमने इंडस्ट्रियलाइज होना है, अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, अपनी आमदनी बढ़ा के, और वो फिर हमने निचली सतह के ऊपर पैसा खर्च करना है. मैंने आखिर में मैं अपनी पंजाब गवर्नमेंट को दाद देता हूँ कि बड़ी कोशिश कर रहे हैं. मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ इन्होंने बड़ी जुनूनी तकरीर किया, अभी दिल से इनकी तकरीर निकली है. वो जो जिस तरह की आजकल तनकीद हो रही है, लेकिन मुझे मियां असलम पता है कि आपकी डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ज़बरदस्त काम कर रही है. और मैं उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर, मैं आपको भी दाद देता हूँ कि आप पूरी तरह एक चीफ मिनिस्टर जो सारा वक्त अवेलेबल होता है, सुबह से लेकर शाम तक लोगों के लिए अवेलेबल होता है, और जिस तरह आप सादगी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक मिसाल बना रहे हैं कि जो हुक्मरान होता है वो जो अवाम का पैसा है वो पैसा एक एक रुपया देख के खर्च इसलिए करता है कि एक मुल्क में इतनी ज़्यादा गुर्बत हो और ऊपर से हुक्मरान शाहाना लाइफस्टाइल गुजार रहा हो और अवाम के टैक्स के पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहा हो, उसको हो सकता है उसको आखिरत का खौफ ना हो, लेकिन इससे बड़ा आप जुल्म नहीं कर सकते
कि आप एक मकरूज मुल्क के सरबराह हों और चीफ मिनिस्टर हों और ये शाहाना लाइफस्टाइल आप ऐसे प्रटेंड करें जैसे कि तेल की नहरें बह रही हैं पाकिस्तान से, वो भी इंशाल्लाह बहेंगी, उसका वक्त आएगा। लेकिन अभी जब मुश्किल वक्त है तो फिर ऊपर से अपनी मिसाल से पहले आप अपने खर्चे कम करते हैं, अपने तंगी करते हैं ताकि पैसा बचे तो आप अपनी गरीब आवाम के ऊपर खर्च करें। मैं दाद देता हूँ आज एक तो नया सेटअप जो पंजाब में आया है, मैं चीफ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान आपको मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो गवर्नेंस चाहिए हमें ब्यूरोक्रेसी से पंजाब में, हम वो गवर्नेंस चाहते हैं जो कि मदद करे इस पंजाब के अंदर सरमायाकारी के लिए। गवर्नेंस सिस्टम जितना अच्छा होता है उतनी सरमायाकारी आती है, और नैब लॉ के अंदर जो हम तब्दीली लेके आए हैं वो तब्दीली लेके इसलिए आए हैं कि एक हमारा जो ब्यूरोक्रेट है उसके ऊपर ये जो एक तलवार लटक रही थी कि प्रोसीजर के ऊपर उसको पकड़ा जाता था कि अगर वो प्रोसीजर कर दे, कहीं साइन कर दे और वो लॉस हो जाए तो उसकी वजह से, इसकी वजह से हमारी फाइलें नहीं चल रही थी। अगर आज हम थोड़ा स्लो निकले हैं यहाँ पहुँचने के लिए तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी, फाइलें घूमती रहती थी, कोई साइन करते हुए डरता था। तो अब तो कोई बहाना नहीं है चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी ब्यूरोक्रेसी को, अब तो हम उम्मीद रखते हैं कि आपका तेज़ काम होगा। और दूसरा आईजी शोएब दस्तगीर, मैं आपको मुबारक देता हूँ। मैंने देखा कि आपने बड़े बड़े ये जो डाकू थे और ये जो कातिल थे इनको पकड़ना शुरू किया। हर पंजाब के हर ज़िले के अंदर हमें पता है कि ये माफिया बैठा होता है छोटा सा, जो रस्सागीर होते हैं, जो कि लोगों को डरा के धमका के पैसे इकट्ठे करते हैं। और हम जब तक, जहाँ तक मुझे पता है, पिछले 30 साल में तो वो जो रस्सागीर और ये जो डाकू और ये जो खौफनाक गुंडे बैठे होते थे हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे कई सियासी लोग उनसे दोस्तियाँ कर लेते थे, उनके ज़रिए वोट भी लेते थे। तो मैं आपसे आई जी साहब ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2-3 महीने के बाद ये कोई भी बड़ा डाकू और ये माफिया और ये कातिल ये कोई नजर ना आए किसी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अभी तक मैं आपको दाद देता हूं कि 1 महीने के अंदर आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने देख रहा हूं खौफनाक किस्म के 15-20 साल जो कत्ल कर रहे थे लोगों को, वो आपने पकड़ के जेलों में डाले, बड़ा अच्छा शुरू आपने बहुत अच्छा किया। मैं आखिर में फिर से आज मुबारक देता हूँ पंजाब गवर्नमेंट को कि ये जो आपने सबने मिल के जल्दी में आपने ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आज इनॉग्रेट किया है, मैं आपको ख़ास तौर पे इसकी फिर से मुबारक देता हूँ। और अब जो आपने बाकी अनाउंस किए हुए हैं बाकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनको पूरी इतनी तेज़ी से आप काम करें और आपको इंशाल्लाह पूरी तरह फेडरल गवर्नमेंट से पूरी सपोर्ट मिलेगी। शुक्रिया।